हनाबला का फतवा है बेनमाजी बंदे दे नाल निकाह जायज है, निकाह जायज नहीं, उहदे नाल निकाह ना करो। अपनी बेटी देनी है तो किसी नमाजी बंदे नूं दिओ। यह जी हुण घर बन रहा है, डेकोरेशन हो रही है, लाइटां ते खर्चा किन्ना जी इन्ने लख, वाशरूम ते किन्ना खर्चा जी 10 लख, हाल का किन्ना खर्चा जी इन्ने लख रुपया, पर हैड जनाब टेबल का 1000 रुपया खर्चा। लेकिन जो हक महर देन की वारी आदि ना जान निकल जाती बंद जी। शरी हक महर, शरी हक महर दस्या जी, कि शरी हक महर है, कि सलाह है? कोई शरीयत नहीं। आका अली सलातो वसलाम ने कोई शरीयत कायम नहीं की। अल्लाह तला का कुरान कहता है वा आताई तुम एहदा हुन्ना किन्तारा। अल्लाह तला कुरान के अंदर बयान फरमाते हैं कि तुम उन्होंने खजाना भी दे सकते जी। और हक महर का ताइयन खावन की हैसीयत वेख के होंगे जी, गल याद रखिया जी। ना लड़की के मापे तय कर सकते हैं, ना लड़के के मापे तय कर सकते हैं, ये लड़की तो पुछ के तय होंगे जी। कभी किसी ने लड़की को पूछा नहीं? पुछते लोग उत्थे जनाब लखां दे लख लग गए, कंजरां नूं भी दिते, भंडां नूं भी दिते, डूमां नूं भी दिते जनाब, मूवियां बनाने वालियां नूं भी दिते, दुध पिलाई दियां रस्मां भी कीतियां, सब कुछ कीता, हाल की बुकिंग दे भी दिते जनाब, वो टेबलां भी दिते, कुर्सियां दे भी दिते जनाब, एक एक चीज़ दे लखां दे खर्चे आते हैं। लेकिन जो हक महर की वरी आती, बड़िया बड़िया की जान निकल जाती है। खामन की हैसीयत वेख के नबी अली सलातो वसलाम ने एक बंदे नूं कहा सी ना, लोहे दी अंगूठी भी लिया हक महर दे, मैं तेरा इहदे इवज़ निकाह कर दियांगा। एक बंदे दा अपने कुरान दे इवज़ दे अंदर निकाह कीता, फलां फलां तैनूं सूरतां याद ने, हाँ अल्लाह दे नबी आपने फरमाया तेरा इहो ही हक महर है, इनू फलां फलां सूरतां याद करवा दी। नबी अली सलातो वसलाम ने हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा हक महर 20 ऊंट दिते सन। हैसीयत दे मुताबिक, खामद की हैसीयत के मुताबिक उहदे कोलो मुतालबा किया जाए कि इन्ना हक महर होना चाहिए। अपने मुतालबे तो सारे रख लैने, कार लैनी है, मोटरसाइकिल लैनी है, फलां चीज़ लैनी है, फलां चीज़ लैनी है, लानता मंग लें। लेकिन जिस जिदी बुनियाद पर पूरा निकाह खड़ोता है उहदी वरी साड़ी जान निकलती। जो ये सारे अमल करांगे ना, जो सारिया रस्मां रवाजां तो बचांगे ना, तो फिर अल्लाह की कसमें निकाह जो सुन्नत के मुताबिक होएगा ना, उन्हें अंदर अल्लाह बरकत बड़ी पावेगा।